हेलो एवरीवन, दिस इज भैया मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, परीक्षा बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी हम सीरीज चला रहे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स को अपन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तीन पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा पार्ट जो है वहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो उसको हम छोड़ रहे हैं। पाँचवा जो पार्ट है वो रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है हमारे सिलेबस से, ठीक है, तो उसको भी हमने हटा दिया है। अब सीधे हम आ चुके हैं पार्ट छः पर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ओके, अब इसके हम जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके लिए भी दूंगा कि आप भी उन्हें सर्च करें, फाइंड करें, उनका आंसर फाइंड करें होमवर्क के तौर पर, ठीक है, ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो, है ना। और देखते हैं अपन आगे जाओ। पहला प्रश्न अपने पास आ चुका है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी एवं कीटभक्षी पौधे को सामान्य रूप से कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी यानी कि जो दूसरों के ऊपर रहते हैं डिपेंडेंट भोजन के लिए, ठीक है, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी यानी कि जो मरे हुए सड़े गले हुए को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं, यानी कि कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि यार ये सभी के सभी कीटभक्षी सहजीवी परपोषी हैं। क्या हैं? परपोषी हैं। आगे जाओ, बी वाला ऑप्शन है ना ये। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? याद रखना, लाल प्रकाश में, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब देखो, राइजोबियम जीवाणु एक क्या है? सहजीवी है, ठीक है। वसा को वसी अम्ल में कौन बदलता है? चौथा प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है। हम जो खाना खाते हैं उसमें फैट भी होता है, जिसे हम हिंदी में वसा कहते हैं, ठीक है। अब फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है कौन? करता है, यानी कि वसा को वसी अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करने वाला होता है लाइपेज, ठीक है। देखो, अब आगे जाओ, जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, भोजन की बात होती तो वो छोटी आंत आ जाता है ना, बहुत आसान है, एकदम मस्त। आगे जाओ, सहजीविता का उदाहरण है, याद रखना लाइकेन, आप यहीं से डायरेक्टली लगा सकते हो। कुछ सहजीविता के जितने भी थोड़े बहुत उदाहरण है ना, उनको पढ़ लेना आप पाँच छः। अभी जैसे यहाँ पे अपने को लाइकेन मिल गया तो अपने लगा दिया, हो सकता है वहाँ पर कोई सा दूसरा उदाहरण दे दे, ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कीटभक्षी पौधा है, कौन सा पौधा है भाई साहब कीटभक्षी? तो वो ये रहा, ए ऑप्शन है ना, यूट्रिक्युलेरिया। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पता होगा ना यार, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? अरे भाई साहब, पत्तों पर तो होता है, पत्तों पर ही तो होता है, वहीं पर तो होता है, क्लोरोफिल है कि नहीं। अब देखो, नवा प्रश्न हमारे सामने है, औक्षी श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। अब जो पहला पार्ट था वहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो वहां पर हुआ करती थी, उसमें हम देखते थे कि यार एनर्जी भी साथ में निकल के आती थी आखिरी में, ऊर्जा भी साथ में निकल कर आती थी, जो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं उसमें आखिरी में ऊर्जा भी आती है, तो वो कितनी ऊर्जा होती है वो यहाँ से यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा 38 ATP है ना, 38 ATP। अब देखो, दसवां, कैप्स चक्र क्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है? याद है किसी को? याद होना तो सीधे अपने कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि हम भी पहचान पाएं कि यार कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किसने ऑलरेडी कितना पढ़ रखा है, हम नोटिस कर पाएं, चीज़ें पता कर पाएं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसका आ जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, श्वसन क्रिया होती है, होती तो है, अब यहाँ पे अपने पास चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? आपको पता हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ऑक्सीकरण है ना, अपचयन नहीं है, परिवहन भी नहीं है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं, है ना, इनहेल करते हैं, अपन सांस लेते हैं ना, तो बस ऑक्सीजन को ही तो अंदर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आगे आ जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु विघटित होकर बनता है, क्या बनता है? याद है सभी को? नहीं है तो याद रखना, पाइरुविक अम्ल, ठीक है, पाइरुविक एसिड भी जिसे अपन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, तेरहवा प्रश्न अपने सामने है, अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है, किसके जरिए होता है? पता है, देखिए, परासरण, ठीक है, परासरण के जरिए होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रास ऑफर कीट में श्वसन होता है, अभी ये अमीबा एवं अमीबा व पैरामीशियम का था, अब हमारे पास आ चुका है ग्रास ऑफर का, ठीक है, तो ग्रास ऊपर का भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर होता है श्वासनाल द्वारा, है ना, श्वासनाल द्वारा। आगे आ गया अपने पास एक और प्रश्न, फेफड़े स्थित होते हैं कहाँ होते हैं फेफड़े स्थित? पता है आप लोगों को? पता ही होगा, नहीं भी पता है तो डायरेक्टली याद रखना, वक्ष गुहा में, ठीक है, वक्ष गुहा में। ओके, क्लियर है सभी को चीज़ें? अभी देखो, अनोक्षी श्वसन होता है, किसमें होता है अनोक्षी श्वसन? पता है, याद रखना, अनोक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है,
ठीक है। 17वां प्रश्न है हमारे सामने, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस चीज के लिए है, पता है याद रखिएगा, जल के वहन के लिए, ठीक है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है उत्सर्जन, ठीक है उत्सर्जन। अभी देखो यार, इनको मैं कम्प्लीटली अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मतलब जो अपना वीडियो है ना 1.5 घंटे तक पहुँच जाएगा और शायद ज़्यादा भी लंबा भी बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कौन से भाग में होता है जनाब, होता है शुद्रांत्र में, ठीक है शुद्रांत्र में। तो अगला प्रश्न हमारे पास रिक्त स्थान के रूप में आ चुका है ना। तो देखो यार, एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, कौन सा एंजाइम है, वो है पेप्सिन, है ना। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, मच्छर एक क्या है, मच्छर, अब ऐसा मत बोल देना मच्छर एक कीड़ा है जिसके पंख भी होते हैं, उड़ता है, काटता था, और जिस तरीके के आंसर नहीं आएंगे यहाँ पे। देखो आप किस तरीके का आंसर अपने को देना है, किस फॉर्म में देना है, ये देखो, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, परपोषी, कुछ इस तरीके से अपने को अपना आंसर देना है। तो बताओ, जो मच्छर होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या, नहीं, वो तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मच्छर एक परजीवी है, ओके। अब हमसे पूछ रहे हैं वो कि प्रोटीन का अवशोषण किसके रूप में होता है, तो प्रोटीन का अवशोषण होता है अमीनो एसिड के रूप में, जिसको अपन हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे अमीनो अम्ल, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अमीबा जीव है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो अमीबा होता है वो होता है यूनिसेल्युलर, इंग्लिश में उसको अपन यूनिसेल्युलर लिखते हैं, हिंदी में हम उसे लिखते हैं एक कोशीय, ठीक है। तो अमीबा क्या है, एक कोशीय जीव है, उसके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है, मानव शरीर में तो ढेरों कोशिकाएं होती है, ठीक है, लेकिन अमीबा में एक ही कोशिका होती है। पांचवा है, ठोस रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे, ठोस रूप में, ठीक है, ठोस रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है, याद रखना यहाँ पर आ जाएगा प्राणी संपोषण। आप लिखते भी चलिए, ये कोई भगवत गीता नहीं चलती जो अपन सुनते रहेंगे, ठीक है, चीजें साथ में लिखते भी चलिए, ओके। आगे देखो, शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, अपन ने भी पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीश्वसन प्रमुखतः कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, आठवां है, मैं ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है, पता है इसमें ली जाती है, अंतःश्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा अंतःश्वसन। बड़े अपन आगे की ओर, को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, तो यार ये तो सबने पढ़ा होगा यार, ये तो मतलब इतनी भयंकर फेमस लाइन है, आठवीं में भी आती थी, नवीं में भी आती थी, दसवीं में भी आ रखी है ना। हिंदी में अपन कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते थे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो बहुत समय पहले से ही वायरल होती जा रही हैं, फेमस होती जा रही, पॉपुलर है बहुत जम के ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब कौन सी श्वसन है जिसमें CO2 युक्त वायु बाहर निकाली जाती है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर, निश्वसन, उच्छ्वास, ठीक है। सो याद रखना, आगे की ओर बढ़ेंगे अब हम, केंचुए में कौन सा श्वसन होता है, अगला प्रश्न है, तो त्वचीय श्वसन, है ना। फेफड़ों की वायु बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे निश्वसन, ठीक है। अब एल्कोहल किसमें होता है, सॉरी, मैं एल्कोहल बनता है, किसमें एल्कोहल बनता है, अनोक्सी श्वसन में एल्कोहल बनता है, उसकी रिएक्शन भी रहेगी, ठीक है। 14वां प्रश्न अपने सामने आ चुका है कि खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक क्रैब ने की थी, किसने की थी, मतलब किसकी खोज की थी क्रैब ने, उन्होंने की थी क्रैब्स चक्र की, ठीक है, अपने ही नाम के ऊपर उन्होंने रख दिया था इसका भी नाम। 15वां प्रश्न है हमारे पास, ऑक्सी श्वसन में अणु उत्पन्न होते हैं, कितने अणु उत्पन्न होते हैं बताओ, 2 ATP, है ना। आगे की ओर आ जाते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, यहाँ पर उपस्थिति नहीं है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनोक्षी श्वसन। आगे जाओ, मछली में द्वारा श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है, तो मछली में होता है गलफड़ों के द्वारा, ठीक है। आगे जाओ, शरीर में उपस्थित अवशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। अरे भाई साहब, आप सही करते हैं ना, जो भी खाना वाना खाते हैं अपन, वाइटमिन्स अपनी बॉडी ले लेती है, प्रोटीन ले लेती है, फिर जो बचता है उसे निकालने के कार्य को क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे उत्सर्जन, हगना नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे उत्सर्जन, ठीक है। 19वां प्रश्न देखेंगे आप, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, किससे बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब देखो, वायवीय श्वसन
चलो थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है यार, क्या करें। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मछली के हृदय में केवल दो कोष्ठ होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कितने कोष्ठ होते हैं? दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। हमारे सामने आ चुके हैं सत्य असत्य। जीवधारियों में पोषण दो विधियों द्वारा होता है। हाँ जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये आप असत्य कह रहे हो, बिकॉज ये इनकी कार्यात्मक इकाई है। आगे आ जाते हैं, सभी जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। हाँ बिल्कुल होती रहती हैं, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, नेफ्रिडिया केचुआ का उत्सर्जी अंग है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान थे। अब देखो ये उचित संबंध हैं, जोड़ियाँ हैं, जो कि मैं आप ही को देना चाहता हूँ कि आप इन्हें खुद से सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आप भी इसके ऊपर और एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हैं अपने पास कुछ जोड़ियाँ जिन्हें मैं आपको ही दे रहा हूँ, तो आपको इन्हें करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई खास ज़्यादा डेंजरस है नहीं। जैसे यहाँ पर देखो मछली है, तो पहले से ही आ गया गलफड़ों द्वारा श्वसन, अपन ने अभी पढ़ा था, है ना। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, जैसे केंचुआ आ गया तो उसका क्या होता है? त्वचीय श्वसन होता है, ठीक है। मनुष्य किससे करता है? फेफड़ों से करता है, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा यार, ओके। ग्रास ऊपर देखिए आप, ग्रास ऊपर अपन ने पढ़ा था वो श्वास, सॉरी हाँ, ग्रास ऊपर आ गया, ये ग्रास ऊपर का आप लगा दीजिएगा श्वास नाल में, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये आसान है, कोई डरने वाली बात है नहीं, इसलिए मैंने आपको ही दे दिया है। और आप भी इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करोगे तो यार, जब खुद से बंदा मेहनत करता है ना तो परफॉर्मेंस तगड़ा करता है, ठीक है। अब देखो पांचवा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। पांचवा प्रश्न है पहला हमारे पास, एक शब्द एक वाक्य के रूप में, मृतजीवी पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृतजीवी यार नाम से क्लियर है कि जो भी सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उनसे वो ये चीज़ें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? तो वो घिजाड़ में पीसा जाता है, ठीक है। लाइकेन में कौन कौन से पौधे साथ साथ रहते हैं? कौन कौन से? शैवाल और कवक, याद रखना भाई साहब, शैवाल और कवक। चंदन में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? तो वो परजीवी होती है, ठीक है। जीवधारियों में पोषण की कितनी विधियाँ हैं? जीवधारियों में तो दो विधियाँ हैं, है ना, याद रखना भाई साहब, जीवधारियों में भी पोषण की दो विधियाँ हैं। पूर्ण परजीवी पौधे का नाम बताइए, पूर्ण परजीवी पौधे का नाम बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली, आप देख सकते हैं रेफ्लिशिया, ओके। सातवां प्रश्न देखते हैं, ड्रोसेरा पोषण के आधार पर किस प्रकार का पौधा है? तो वो है कीट भक्षी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस भाग लेती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हम इंसान क्या करते हैं, हम तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत होती है? उनको होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, बस उसी को वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आगे अपन, हरे पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं? पता ही अपने को, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप निकलने वाली गैस का नाम बताइए। तो कौन सी गैस है? वो ऑक्सीजन। हम कहते हैं ना पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? आप इसे अवायवी भी कह सकते हैं, अनोक्षी श्वसन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यार अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है, बारहवां प्रश्न, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? पादपों के वायवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में जलहानि क्या कहलाती है? क्या क्वेश्चन है भाई साहब? पादपों के वायवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में जलहानि क्या कहलाती है? तो उसको हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तेरहवां प्रश्न है हमारे पास, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए। अब यार जो आपने देखा होगा, जो अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जब हम रिएक्शन लिखते हैं तब बीच में क्लोरोफिल भी होता है, तो बस उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा था, ठीक है, कि हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए, तो वो है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? तो ये चीज़ें थी। अभी देखो यार इसमें मैं सारी की सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, जैसे कि मैंने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको मैंने डिटेल में समझाया था, क्योंकि वहाँ पर समझाना आसान था और लेंथ भी वीडियो की कम हो रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं समझाता तो यार वीडियो की लेंथ जो है 1.5 घंटे तक जा सकती थी। लेकिन अगर आपको वीडियो की लेंथ से इम्पेक्ट नहीं पड़ता है, आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले चैप्टर का जो वीडियो आएगा, सातवें चैप्टर का, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है, और आधे घंटे के अंदर ही वीडियो कम्प्लीट करने की कोशिश भी करूँगा। ओके एवरीवन, सो आई होप आप सभी को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं यार अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।